भाई ये देखो, ये काकर से कम है क्या हमारा? और भाई कुछ काम है भी नहीं, मैं पापा मम्मी है घर पर, फिर और काम तो कुछ था भी नहीं और ना ही कुछ हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है आजकल। यहाँ से अच्छा मकोटमी था जो कहीं ना कहीं चले जा रहे थे। तो भाई अभी मिला है एक काम, तो इसे करते हैं पहले, तो वो इसकी बनानी है गुण। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो सामने गांव में गाने बज रहे हैं, मंदिर में देवी का मंदिर है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश नेगी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने घर से, मेरा गाँव का नाम है उगलिया। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत भाई, चमचमाती धूप भाई, मौसम एकदम साफ, नीला आसमान। और भाई सुबह सुबह आर्क है भानु अपना, ये भी आ चुका है दिल्ली से, पहले गया था दिल्ली कुछ टाइम के लिए, एक दो दिन के लिए, तो आ गया है अभी घर। और भाई हमारी लालियों भी आ चुके हैं इधर। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को स्कूल छोड़ने के लिए, तो मम्मी भी तैयार हो चुकी है, खाना तो मैं आके ही खाऊंगा। और मेरे साथ जाएंगे चाची जी, मैं बीना चाची, तो उन्हें भी गुजगड़ी तक छोड़ दूंगा, तो अभी चलते हैं इनको छोड़ने के लिए। ठीक है भाई, वो देख सकते हो काकड़ भाग गया भाई। अभी सुबह सुबह देख सकते हो हिमालय पर्वत आज एकदम साफ दिख रहा है, कोई बादल नहीं है, उधर भी एकदम साफ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ घर पर, और भाई मम्मी को भी छोड़ दिया था और चाची जी को ऊपर छोड़ के आ गया था, तो वो भी चले गए थे, उनका भी काम था गाँव में, तो वो आएंगे अभी बाद में ही, अब पता नहीं कब आएंगे। तो फिलहाल तो, और भाई रास्ते में मोर और काखड़ दिख रहे थे। भाई ये देखो, ये काखड़ से कम है क्या हमारा? कैसे और क्या, बिल्कुल ही गर्दन नीचे करके। ओए, तो इसे भी बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ आज, बिल्कुल ही और क्या। तो अभी भाई धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। तो भाई दिन का खाना भी तैयार है, मैंने सुबह खाना खाया नहीं, तो अभी खाते हैं भात, पापा ने बना भी दिया है। तो भाई आज भी है दाल भात, तो खाते हैं अपनी दाल भात घर की, ठीक है, और साथ में दो खीरे। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 4:30, और भाई मिल गई चाय शाम उठते ही। भाई दिन में तो खाना खा के टन करके सो गए, और भाई कुछ काम है भी नहीं, मैं पापा मम्मी है घर पर, और अम्मा तो पौरी रहती है, और कोई है भी नहीं, शाम के टाइम भी आते हैं जो भी आते हैं। तो अभी आएंगे थोड़ा देर में सभी लोग, तब पीते हैं चाय। और भाई अम्मा काट रही थी घास यहाँ पे, है अम्मा? तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 5:30, और भाई आ गए हैं लूडो खेलने वाले भी, तो राजा गणदा पापा और बूबू जी हैं और भानु है, यही खेल रहे हैं आज, तो बस खाली ऐसी। तो भाई शाम के टाइम ऐसी हवा चली है कि ठंड, विंग स्वेटर पहननी पड़ रही है। तो भाई सनसेट भी होने वाला थोड़ा देर में, और वह अभी का मौसम देख सकते हो एकदम मौसम साफ हो रखा है, अभी भी कोई बादल नहीं है आज, तो सुबह हल्के हल्के बादल थे पर अभी कोई बादल भी नहीं है। तो भाई सुबह से तो कोई काम हो नहीं रहा है क्योंकि अकेले हैं घर पे, तो पापा चले जा रहे थे काम पे, तो घर पर अकेले ही था। तो दिन में कपड़े वपड़े धोए अपने जो बचे थे, मतलब मैं वहाँ के, तो एक आध दो घर पर भी थे उनको भी धो दिए थे, तो फिर और काम तो कुछ था भी नहीं और ना ही कुछ हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है आजकल घर पर। तो वहाँ से तो, यहाँ से अच्छा मकोटमी था जो कहीं ना कहीं चले जा रहे थे। हमसे अच्छा खेलना है, अभी जो होने वाली है ठीक है, अभी पड़ेगी
भाई हमारा और एक ही चंदन का पेड़, और मकोट में भाई इतने सारे पेड़ थे ना वहाँ, मतलब मामा जी ने कुछ ही पेड़ लगाए थे वहाँ, मतलब अपने अपने खेतों में। और भाई जब वो बड़े हुए तो चिड़ियों ने उसके दाने ले गए, तो पूरे गांव में फैला रखे हैं, तो हर खेत में 5 या 4 पेड़ ऐसे हैं चंदन के। कितनों ने तो बेच भी दिया, भाई लाल चंदन तो है नहीं, वो कह रहे थे ये है सफ़ेद चंदन। मतलब मैं एक पेड़ के ऐसे ही जा रहे थे कुछ हज़ारों रुपये, मतलब मैं 7-8 हज़ार रुपये ऐसे ही जा रहा था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ठीक ठाक ही था, पर इतना ही जा रहा था। तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ भी बेचे और बोले थे फ़ायदा भी है, और उन्होंने और भी लगा दिए, मतलब दाने चिड़िया तो ऐसे फेंक रहे हैं जैसे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आधा काम तो चिड़िया कर दे रही है उनका। तो भाई सनसेट भी हो चुका है, सूरज भी छुप चुका है यहाँ से, और भाई धूप वहाँ पहुँच चुकी है नीचे खेत से। अभी तो बहुत टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, तब तक शाम भी हो जाती है। भाई आज भी वो पुतली टाइप के उड़ने लग गए हैं, आज कम है, अभी थोड़ा देर में निकलेंगे बहुत सारे, अभी तो कुछ कुछ ही निकल रहे हैं बाहर। भाई ये देख सकते हो अभी अभी इतने आ गए ज़मीन के नीचे से, अभी तक थे भी नहीं है। ये भाई इन पे पंख लग गए ना, मरने को तंग आ रहे हैं, जहाँ पे लाइट पड़ती है ना उसके नीचे इनके पंख ही पंख। भाई ने ये चिड़िया खा जा रही है, ये देख सकते हैं इनको। ये चिड़िया खा जा रही है भाई ने, ज़्यादा उड़ रही है। तो भाई अभी मिला है एक काम, तो इसे करते हैं पहले। ये पाइप है तो इसकी बनानी है गुन, इसको रखेंगे फिर अंदर, और मम्मी और भानु की अम्मा लगे हैं काम पे, तो मैं करता हूँ अपना काम, ठीक है। तो भाई अपना काम भी हो चुका है, तो इसे रखते हैं भाई अंदर। पानी निखार दिया था इसका भी, पाइप में पानी ना रह करके ऊपर से किया, तो ये भी हो चुका है। तो भाई आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो सामने गांव में गाने बज रहे हैं, मंदिर में देवी का मंदिर है तो वहाँ गाने बज रहे हैं, और वहाँ कल भी कीर्तन होता है, आज भी कीर्तनों की आवाज़ आ रही है भाई। तो भाई अपनी चाय भी तैयार है शाम की, गुड़ की, और भाई खाना आज भी तैयार हो चुका है, मम्मी ने आज भी आटा ओल के रख दिया है। भाई बस मेरी ही बारी है इस काम को करने की, मतलब मैं रोटियां बनाने की, डेली की रूटीन है अपना, तो बस घर आया तो सही है, मम्मी की मदद भी हो जाती है शाम के टाइम, क्योंकि मम्मी के पैरों में हो जाती है दर्द भाई खड़े खड़े, तो शाम की रोटियाँ मैं ही बना लेता हूँ, तो सुबह भी जल्दी उठ जाता हूँ तो रोटियाँ मैं ही बना लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत मदद हो जाती है मम्मी की। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 8:30, तो दोस्तों खाना भी खा लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी बन पाई है, छोटी सी ही, तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं फिर एंड। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।